Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 4 from resolution, footprints without feet. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. So let's start the chapter. Footprints without feet. Footprints without feet ka kya meaning hai? देखो विदाउट फीट का मतलब बिना पैरों के और फुट प्रिंट का मतलब पैरों के निशान बिना पैरों के, ये टाइटल है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंटिस्ट एक ऐसी प्रकार की दवा बना लेता है जिससे खाने के बाद में वो गायब हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। वो उसका जो बॉडी वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है, जिसके आर पार देखा जा सकता था लेकिन उसे नहीं देखा जा सकता था। कब तक? जब तक कि उसने कुछ पहना ना हो। अगर वो कुछ पहना हुआ होता तो वो विजिबल हो जाता था, अगर उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है तो वो इनविजिबल रहता था, दिखाई नहीं देता था। अब वो इनविजिबल होकर क्या क्या करता है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसे पढ़ोगे समझोगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में और देखते हैं कि वो इनविजिबल साइंटिस्ट क्या क्या करता है। लेट्स स्टार्ट। यस, the two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. ki kya meaning hai? two boys, do ladke, stared ka matlab hota hai ghoonna, ki kya kar rahe the, ghoon rahe the surprise mein, jo taaza taaza mitti ke jo nishan hue the pair of bare feet. dekho bare of bare feet ka kya meaning hai, ki nange pairon ke jo nishan hue the taaza taaza, unko wo dekh raha tha. kaun dekh raha tha? वो दो लड़के। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन एंड वेयर वाज द मैन? कि अब देखो क्या कह रहे हैं कि जब दो लड़कों ने देखा कि सरप्राइज होकर देखा कि जो ताज़ा ताज़ा मिट्टी के निशान बने हैं वो भी एक जोड़ी नंगे पैरों के, तो वो सोचने लगे कि वॉट वॉज बेयर फुटेड मैन डूइंग, कि यहाँ पे जो बेयर फुटेड मैन है, जो नंगे पैरों वाला व्यक्ति है, वो कर क्या रहा था, वो भी एक घर की सीढ़ियों पर इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो घर कहाँ पे था, लंदन के बिल्कुल मिडल में। एंड वेयर वॉज द मैन, और एक्चुअली जिस व्यक्ति के पैरों के निशान है वो है कहाँ पर, दिखाई क्यों नहीं रहा? एज द गेस्ट रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जब वो देख रहे थे एक रिमार्केबल साइट मतलब लाजवाब दृश्य दिखाई दिया उनकी आंखों को, क्या दिखाई दिया, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड, कि एक ताज़ा ताज़ा फिर से फुट मार्क का मतलब पैरों का निशान प्रकट हो गया फ्रॉम नो वेयर, पता नहीं कहाँ से। मतलब जब उन्होंने देखा कि एक के बाद एक पैरों के निशान होते चले जा रहे हैं लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, व्यक्ति इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा कि है कौन, वो परेशान हो गए कि है कौन। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे फुटप्रिंट इसी प्रकार से फॉलो हो रहे थे, अनुसरण हो रहे थे, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते चले जा रहे थे। वन आफ्टर अनादर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, एक के बाद दूसरे, और डिसेंड, देखो एक तो असेंड होता है एक डिसेंड होता है, कुछ नहीं करना, ए एस लगा दोगे असेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे एक दो तीन चार, ये असेंडिंग हो गया, और घटते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया, दस नौ आठ सात, ये घटते हुए क्रम है डिसेंडिंग, तो इसका मतलब वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा था डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब कि स्टेप से नीचे उतर रहे थे, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और बढ़ रहे थे, किस ओर बढ़ रहे थे, रास्ते की ओर, स्ट्रीट की ओर। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और जो लड़के थे उन्होंने फॉलो किया फैसिनेट होकर, मतलब कि आकर्षित होकर, तब तक जब तक कि जो मिट्टी के जो निशान थे, इम्प्रेशन था, वो धीरे धीरे धुंधले और धुंधले नहीं हो गए, और आखिरकार वो गायब नहीं हो गए पूर्णतः, मतलब कि वो लड़के उन पैरों के निशान का तब तक पीछा करते रहे तब तक वो पैर के निशान दिखते रहे, और जैसे जैसे वो दिखना बंद हुए फिर उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब जब दिख ही नहीं रहे तो किसको फॉलो करेंगे, तो जब तक उस व्यक्ति के पैर गीले थे, सूखे हुए नहीं थे और पैरों के निशान बन रहे थे, तब तक वो उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे सूख गए और आगे पैरों के निशान बनना बंद हो गए वैसे वो दिखना बंद हो गया, पैरों के निशान दिखना बंद हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ,
और जो मिस्ट्री है ये वर्ड बताएंगे आप मुझे मिस्ट्री का क्या मतलब, ये मिस्ट्री है, माई स्ट्री नहीं है, मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। और जो व्याख्या है इस रहस्य की वो वास्तव में काफ़ी पर्याप्त सिंपल है, साधारण है। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। कि जो बिल, देखो यहाँ पे बिविल्डर्ड बॉयज का मतलब है सरप्राइज बॉयज, जो सरप्राइज बॉयज थे जो कि फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को जिसने डिस्कवर किया था, जिसने खोज कर ली थी हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। उसने ये जान लिया था, उसने ये सीख लिया था, किसने, उस साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या नाम है आप मुझे बताएंगे, ग्रिफिन, और मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, ध्यान रखना, ग्रिफिन द साइंटिस्ट क्या नाम है, ग्रिफिन नाम है, टिफिन नहीं है, ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने कैरिड आउट का मतलब किया, अनुसरण किया, बार बार किया, कैरिड आउट का मतलब बार बार किया, किसको, प्रयोग के बाद में प्रयोग किए साबित करने के लिए कि जो मानव शरीर है वो बन सकता है अदृश्य, कि उसने एक के बाद एक क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, ये साबित करने के लिए मानव शरीर इनविजिबल हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास। कि क्या कह रहे हैं कि आखिरकार उसने स्वेलो का मतलब निगल लिया, स्वेलोड का मतलब बताएंगे क्या मीनिंग, उसने निगल लिया एक निश्चित दुर्लभ ड्रग का मतलब दवा, एक निश्चित दुर्लभ दवा निगल ली और उसकी जो शरीर था वो बन गया, वो क्या बन गया, उतना ही ट्रांसपेरेंट, उतना ही पारदर्शी जितने की एक कांच की शीट होती है, शीट ऑफ ग्लास मतलब जिस प्रकार से कांच की शीट होती है उतनी ही ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि ये उतनी सॉलिड थी जितना कि ग्लास, ये भूत तो था नहीं, था तो व्यक्ति ही। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांच के आर पार नहीं जाया जा सकता था उसी प्रकार से उसके भी आर पार नहीं जाया जा सकता था, कांच जिस प्रकार से कांच के आर पार देखा जा सकता था उसी प्रकार से उसके भी आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसके पार नहीं जा सकता था, वो बिल्कुल कांच जैसा हुआ था, ठीक है ना, गायब कहने का मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, शरीर तो उसका मौजूद था, बस ये कहना चाहता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट द ही वॉज, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, हालांकि ब्रिलियंट साइंटिस्ट द ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर लोलेस पर्सन। और जो एक मिनट ही आवाज़ ख़त्म हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट द ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था हालांकि, इसमें कोई डाउट नहीं कि साइंटिस्ट वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो ग्रिफिन था वो लोलेस पर्सन था। लोलेस का मतलब कानून नियम को नहीं मानता था, वो कानून नियम को अवॉइड करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसके जो लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक थे, जो मकान मालिक थे, वो उसे नापसंद करते थे और प्रयास कर रहे थे उसे निकालने का, वहाँ से, कहाँ से, उसके घर से। इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में, बदला लेने के लिए कि वो मुझे घर से निकालना चाहता था, इसलिए ग्रिफिन ने क्या की, आग लगा दी, सेट फायर किसके घर के, घर के ही आग निकाल दी, सॉरी निकाल दी क्या, लगा दी। और टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और गेट अवे का मतलब निकल जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे हुए, बिना दिखे वहाँ से निकल जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको अपने कपड़े रिमूव करने लगे, अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वेंडर, और इस प्रकार से वो क्या हो गया, बन गया एक होमलेस वेंडर, बन गया एक घर विहीन घुमक्कड़ व्यक्ति बन गया, जिसके पास घर नहीं था और वो वेंडर कर रहा था इधर उधर। वेंडर का मतलब हो गया घुमक्कड़, जो घूमता रहे, विदाउट क्लोथ बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल इनविजिबल अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज ही वॉक्ड, कब तक, जब तक कि उसके जो पैर है कीचड़ में ना पड़े, और जब तक उसने फुटप्रिंट्स का मतलब पैरों के निशान नहीं छोड़ दिए जब वो चल रहा था। कहने का मतलब वो जो दो लड़के थे जिसको फॉलो कर रहे थे, वो इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि उसके पैर के निशान कीचड़ में हो गए थे, और कीचड़ में होने की वजह से पैरों के निशान बनने लगे, और जब तक बनते चले गए तब तक वो लड़के उसको फॉलो करते रहे, और जैसे ही वो बनना बंद हो गए निशान, उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो वही कह रहा है कि वो तब तक इनविजिबल था जब तक कि उसके पैरों के निशान नहीं बने।
ही स्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन। और वो स्केप्ड का मतलब बच निकला बड़ी आसानी से उन लड़कों से जो उसको फॉलो कर रहे थे, फुटप्रिंट्स, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स है, जो उसके जोखिम भरे काम है, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुए। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन, क्योंकि उसने चुन लिया था एक बहुत ही बुरा समय, वर्ष का मतलब ईयर का सबसे बुरा समय चुना था उसने वेंडर करने का, घूमने का, वो भी लंदन में बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के घूमने का लंदन में उसने एक बहुत ही बुरा समय चुना था। क्यों? क्योंकि ये मिड विंटर था। मिड विंटर का मतलब क्या था? सर्दी का बिल्कुल बीच वाला समय था जिसमें सर्दी कड़कड़ाके की थी, और बिना कपड़ों के ऐसी सर्दी में कोई रह नहीं सकता। गर्मी होती तो फिर बात अलग थी, लेकिन उसने गलत टाइम ले लिया था। द एयर वॉज बिटरली कॉल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, कि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वॉकिंग के बजाय इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, मतलब गली में वॉकिंग करने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो स्लीप इनटू का मतलब चुपचाप चला जाएगा एक बड़े लंदन स्टोर में गर्मी के लिए, क्योंकि दिखता है तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, अगर मैं किसी दुकान में स्टोर में चला जाता हूँ तो किसको क्या पता चलता है, मैं चुपचाप किसी बड़े से स्टोर में चला जाऊँगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज डोर वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, कि जैसे ही क्लोजिंग का समय आया, दुकान बंद करने का समय आया, वैसे ही तुरंत, जैसे एज सून एज का मतलब जैसे ही दरवाजे क्या हो गए, शट हो गए, बंद हो गए, ग्रिफिन अब सक्षम हो चुका था देने को अपने आप को खुशी, किस चीज़ की, कपड़ों की और भोजन की, विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, बिना खर्चा किए हुए, बिना पैसे दिए हुए अब वो अपने आप को कपड़े भी दे सकता था और अपने आप को खाना भी खिला सकता था। कैसे भाई? क्योंकि वो लंदन स्टोर में था, स्टोर वाले क्या कर चुके थे, उसको बंद कर चुके थे, अब स्टोर के अंदर कोई नहीं था इसलिए वो अकेला था, और वो क्या कर सकता था, बड़े आराम से कपड़े भी पहन सकता था और खाना भी खा सकता था जो स्टोर में अवेलेबल था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, उसने क्या किया कि जो बॉक्सेस है उनको तोड़कर खोल दिया और रैपर्स को भी खोल दिया उसने और फिट कर लिया अपने आप को गर्म कपड़ों से, वहाँ पे जो गर्म कपड़े थे वो पहन लिए थे। सोन विथ शूज एंड ओवरकोट अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब देखो जल्दी शूज़ भी पहन लिया उसने, एक ओवरकोट, ओवरकोट कहा जाता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है उसको ओवरकोट कहा जाता है, अ वाइड ब्रिम्ड हैट और एक बड़ी सी हैट पहन ली। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड और अब वो पूरे तक कपड़े पहन चुका था, फुली ड्रेस्ड हो चुका था और एक दिखाई देने वाले व्यक्ति बन चुका था। वो दिखाई तभी देता था जब वो किसी प्रकार के कोई कपड़े पहनता था अथवा वो दिखाई नहीं देता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, ही फॉलोड अप मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। अब देखो इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का जो किचन था वहाँ से उसको कोल्ड मीट भी मिल गई और कॉफ़ी भी मिल गई और वो फॉलो करने लगा। ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स और उसने अपने भोजन को मिठाई के साथ में और वाइन के साथ में लिया, जो उसने कहाँ से ली थी, ग्रोसरी स्टोर से, मतलब कि वहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर थी वहाँ से ले लिए। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और आखिरकार वो सेटल डाउन हो गया, बैठ गया सोने के लिए, कहाँ पर, जो ढेर लगा हुआ था क्विल्ट्स का। क्विल्ट्स का मतलब रजाई, आप बताएंगे क्विल्ट्स का क्या मतलब है, या रजाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वह है क्विल्ट्स। नेक्स्ट, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। सिर्फ और सिर्फ ग्रिफिन को मैनेज करना था उठना, वो भी सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर वो सही समय पर उठ गया, स्टोर ओपन होने से पहले उठ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, और ऐसा हुआ कि वो नहीं उठ पाया, कब तक, जब तक कि जो असिस्टेंट थे वो पहुँच नहीं गए अगली मॉर्निंग को स्टोर के अंदर, तब तक वो नहीं उठा। और वेन ही सो अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, और जब देखा कि कोई दो जो असिस्टेंट है वो आ रहे हैं उसकी तरफ, ही पैनिक एंड बिगेन टू रन, वो दुख मतलब डर गया और दौड़ने लगा। द नेचुरली गैव चेस, और स्वाभाविक है कि वो उन्होंने भी उनको चेस किया, पीछा किया, ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी हम कर लेंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।